नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और टेकबर्ड में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल और मेडिकल्स लाइन में यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे रिलीज़ की गई है। दोस्तों लगभग 681 वैकेंसीज़ यहाँ पे रिलीज़ की गई है। जिन्होंने अपने मेडिकल फील्ड में आप लोग ने एजुकेशन अगर किया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे 10th और 12th वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ अवेलेबल है दोस्तों। और इससे अच्छा मौका आप लोगों को कभी नहीं मिल सकता अप्लाई करने का, तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए और सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे 100% तक हो सकता है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ कि ये जो COVID-19 के तहत यहाँ पे जो आयोजना है वो रिलीज़ की गई है दोस्तों। यहाँ पे लगभग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मालेगांव की तरफ से ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोजीशन है, नंबर ऑफ़ सीट्स है, वो आपको बता देता हूँ मैं, और इनके सैलरी कितने कितने हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए पहला जो पोजीशन है वो फिजिशियन के लिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को MD इन मेडिसिन आप लोग को होना अनिवार्य है, और इसमें आप लोग को सैलरी लगभग 75,000 मिलेगा और प्लस परफॉर्मेंस। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 14 यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड की गई है। नंबर ऑफ़ पोजीशन ये अच्छा खासा यहाँ पे 14 सीट है दोस्तों, यहाँ पे निकालना आसान हो जाता है। और जो अगला सीट है दोस्तों वो एनेस्थेटिक का है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग डिग्री और डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया होना अनिवार्य है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी आप लोग का रहेगा वो 75,000 प्लस परफॉर्मेंस, यहाँ पे अलग आपको इंसेंटिव यहाँ पे मिलते हैं। और जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 8 है। और जो अगला वैकेंसी है दोस्तों वो मेडिकल ऑफिसर के लिए है, जिसमें आप लोग का MBBS होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, और यहाँ पे सैलरी लगभग 60,000 तक आप लोग को मिलेगा। और जो नंबर ऑफ़ सीट है, नंबर ऑफ़ पोजीशन है वो 76 है लगभग दोस्तों, ठीक है। और एक अलग वैकेंसी है दोस्तों, वो स्टाफ नर्स, इसमें आप लोग को BSc नर्सिंग होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और यहाँ पे सैलरी जो स्टार्टिंग इनिशियल फीस में आप लोग को 20,000 मिलेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशन है 200। और जो अगला वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे ANM करके है, जिसमें आप लोग को 10+2 होना अनिवार्य है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग है लगभग 17,000, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशन है 48, तो अच्छा खासा सैलरी भी यहाँ पे आप लोग को मिलेगा और अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी यहाँ पे आप लोग को मिलेगा दोस्तों। तो अगला वैकेंसी है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पे आप लोग को टेक्नीशियन का स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे तभी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप लोग का सैलरी रहेगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 17,000 तक रहेगा, और नंबर ऑफ़ सीट है यहाँ पे 6। और ECG टेक्नीशियन फॉर द हार्ट रेट चेक, यहाँ पे आप लोग का BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना बहुत ही अनिवार्य है, और एक साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो सैलरी रहेगा दोस्तों वो 17,000 तक रहेगा, और नंबर ऑफ़ सीट रहेगा 6। तो मेरे ख्याल से आप लोग जल्दी अप्लाई कर लीजिए, सिलेक्शन का चांस आप लोग का बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट डेट होगा दोस्तों वो 31 मई को रहेगा। जो अगला वैकेंसी है दोस्तों वो फार्मासिस्ट का है, जिसमें आप लोग का एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, डी फार्मा होना अनिवार्य है, और बी फार्मा भी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सैलरी आप लोग को मिलेगा 17,000, और नंबर ऑफ़ सीट है 8। और जो वार्ड बॉय होता है उनको 10th पास होना अनिवार्य है, और डेली वेजेस इनको मिला जाएगा लगभग 400 रुपये पर डे के हिसाब से इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और नंबर ऑफ़ पोजीशन यहाँ पे है 200, और लगभग दिख ली यहाँ पे आप लोग को 681 वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने मिलेगी। तो इसके तहत आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए और सिलेक्शन यहाँ पे करवा लीजिए, सैलरी भी अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कोई भी आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोग को लास्ट में एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन आप लोग को फिल करना होगा लास्ट में, ठीक है। ये फिल करने के बाद एट द लास्ट आप लोग को ये करना होगा कि जो डिटेल्स होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, 10+2 सर्टिफिकेट होगा, वो आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना होता है दोस्तों, ठीक है, बाय हैंड और बाय ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और जो एक अलग कोर्स होता है वो डेटा एंट्री के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें आप लोग का MSc CIT होना अनिवार्य है, और इसका अलग से टाइपिंग टेस्ट भी आप लोग के लिए टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट है यहाँ 30 जून, जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच।